हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज टेन मिनट रिवीजन सीरीज में हम एक चैप्टर को फिनिश करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट दस मिनट के अंदर तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर ए टू जेड अच्छे से रिवीजन कराने की मेरी जिम्मेदारी है बस वीडियो एंड तक देखना स्किप मत करना पूरा का पूरा क्विक रिविजन अच्छे से करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितने रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट करती है कितने रुपए का गुड्स इंपोर्ट करती है उसका जो डिफरेंस है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस है पोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओनली गुड्स इंपोर्ट ओनली गुड्स गुड्स का मतलब विजिबल आइटम टेंजिबल आइटम फिजिकल आइटम सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड सो बीओ का फॉर्मला है एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू ओनली टेंजिबल और विजिबल गुड्स अगर ये एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस होगा बीओ अगर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिशिट बी और अगर दोनों बराबर है तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बी बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड होता है इसमें कोई और चीज रिकॉर्ड नहीं होती बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें एक कंट्री पूरे वर्ल्ड से जितना भी ट्रांजैक्शन करता है चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो चाहे वो कैपिटल ट्रांजैक्शन हो चाहे वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो हर कुछ सब कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट खुद बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है सो बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत नैरो नैरोप्ट है सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स भी सर्विसेज भी यूनिटल ट्रांसफर कैपिटल ट्रांसफर सब कुछ रिकॉर्ड करता है इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है विजिबल आइटम्स जिन्हें देखा जा सके छुआ जा सके लाइक मशीनरी राइस वीट स्पाइसिस इनविजिबल विजिबल आइटम सर्विसेस लाइक बैंकिंग शिपिंग इंश्योरेंस सर्विसेज कोई भी सर्विसेज जो हम बाहर को दे रहे हैं हम बाहर से ले रहे हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये सर्विस के अंदर आएगा अगर मैं तुम्हें नोट्स दूं तो ये गुड्स के अंदर आएगा इसके अलावा कैपिटल ट्रांसफर एक कंट्री से जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है जो भी लोन हुआ है बाहर कंट्री को लोन दिया लोन लिया इन्वेस्टमेंट किया बाहर कंट्री ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया वो सब आता है क्लास कैपिटल ट्रांसफर के अंदर और यूनियन ट्रांसफर मतलब वन साइड पेमेंट गिफ्ट डोनेशन चैरिटी हमने दिया या हमने लिया ये सब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये चारों चीजें रिकॉर्ड होती हैं अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं सबसे पहला है करंट अकाउंट इन बी और दूसरा है कैपिटल अकाउंट इन बी दोनों के कॉम्पोनेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट इन बीओपी की ये वो अकाउंट है जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है तीन चीजों का सबसे पहला गुड्स

वो आपका प्लस आइटम है क्रेडिट आइटम है uh, sorry, और सॉरी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस आइटम है डेबिट आइटम में ध्यान रखना क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी जाता है तो माइनस आइटम और एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा तो प्लस आइटम दूसरा है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जितनी भी सेवाएं हमने बाहर से ली है ठीक है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने बाहर से सेवाएं ली हैं हमने बाहर से सर्विसेज को इम्पोर्ट किया खरीदा है तो वो माइनस आइटम है यानी कि डेबिट आइटम है माइनस आइटम डेबिट आइटम क्यों क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी देश से बाहर चला जाता है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने कोई भी सर्विसेज दी है बाहर वालों को बैंकिंग शिपिंग टीचिंग इंश्योरेंस कंसल्टेंसी कोई भी सर्विस हमने दी है तो वो प्लस आइटम है क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आता है प्लस आइटम को ही क्रेडिट आइटम माइनस को डेबिट आइटम बोलते हैं सर्विसेज दो तरह की होती है फैक्टर और नॉन फैक्टर मैं काम कर रहा हूँ बाहर जाके कंपनी में फैक्टर सर्विसेज है लेकिन मेरी गाड़ी चल रही है और गाड़ी में लोग काम ड्राइवर चला रहा है मुझे पैसे कमा के दे रहा है मेरी गाड़ी का मेरी मशीन का उसे बोलते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज मेरे जहाज चल रहे हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज लेकिन मैं खुद कहीं जाके काम करके आता हूँ सर्विस कोई भी सर्विसेज़ हो इंपोर्ट किया है तो माइनस आइटम एक्सपोर्ट किया है प्लस आइटम सेम टू सेम गुड्स जैसा तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर गिफ्ट डोनेशन चैरिटी गिफ्ट रिसीव्ड अगर मिल गया तो प्लस आइटम यानी कि क्रेडिट और गिफ्ट टू अदर्स ठीक है अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया

कुछ ऐसे रिजर्व फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ध्यान रखना क्लास तीसरा जो है वो है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व सरकार कुछ रिजर्व बना के चलती है वो सारी चीज़ें यानी कि इन बी ओ पी यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड किया था ऑल सच ट्रांजेक्शन्स रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री और बाहर सारे सारे देशों में जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी को चेंज करते हैं जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी को चेंज करते हैं वो सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ध्यान सुनना इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम किसी कंट्री की कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और उस जिस असेट पर इन्वेस्टमेंट होता है उस असेट पे कंट्रोल अगर उनका है लाइक रतन टाटा ने बाहर अगर इन्वेस्टमेंट किया जयगवार को ख़रीद लिया लैंड रोवर को खरीद लिया तो उस गाड़ी पर कंट्रोल रतन टाटा का है दिस इज़ कॉल्ड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकिन अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं तो सिक्योरिटी के प्राइस जो है उस वो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो मार्केट पर डिपेंड करता है उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो बाहर कंट्री से इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट आया तो प्लस आइटम ठीक है और अगर हमने बाहर कंट्री में इन्वेस्ट किया यानी कि पैसा चला गया उसको बोलते हैं क्लास माइनस आइटम ध्यान रखना अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आया तो प्लस आइटम गया तो माइनस आइटम ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड बाहर से आया है तो प्लस आइटम टू अब्रॉड बाहर को आपने इन्वेस्टमेंट दे दिया है तो उसे बोलते हैं क्लास माइनस आइटम दूसरा है बोरोइंग्स लोन टेकन ध्यान रखना किसी किसी से 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 भी लिया हो, हो चाहे चाहे वो वो वर्ल्ड बैंक क्लास, फॉरेन गवर्नमेंट लोन लोन तो प्लस आइटम करेंसी जाता है तो माइनस आइटम चेंज इन एक्सचेंज रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सचेंज रिजर्व में कभी भी क्लास अगर विद्रॉ करते हैं हमारी कंट्री में आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करती है अगर हम वहाँ से विड्रॉ करते हैं विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकाल रहे हैं पैसा तो प्लस आइटम है यानी कि क्रेडिट आइटम है देश के अंदर पैसा आ रहा है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जस्ट लाइक अ गुल्लक गुल्लक से पैसा निकाल रहे हैं पैसा आ रहा है जमा कर रहे हैं डिपोजिट ठीक है या एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अब एड कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं क्लास माइनस है डेबिट आइटम क्योंकि पैसा चला गया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विद्रॉ करेंगे तो प्लस आइटम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एडिशन करेंगे डालेंगे तो माइनस आइटम नेक्स्ट है क्लास इक्विलिब्रियम इन बीओपी अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का तो उसको बोलते हैं बीओपी क्या है क्लास इक्विलिब्रियम है यहाँ पे करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस बिल्कुल जीरो है हमने एक करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया था एक करोड़ आ गया था उसी का सामान खरीद लिया एक करोड़ रुपये चला गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल्कुल बराबर हो गया दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन बी यानी कि यहाँ पे कोई भी फॉरन एक्सचेंज का मूवमेंट नहीं हुआ जितना फॉरन करेंसी आया उतना ही फॉरन करेंसी चला गया दिस इक्विलिब्रियम कब होता है क्लास सरप्लस और डेफिशिट में अगर हमारे पास ज्यादा करेंसी आ गई ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया सरप्लस तो बीओपी और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो डेफिशिट बीओपी तो अगर मान लो कि मैं सौ का सौ डॉलर का सामान सौ डॉलर का एक्सपोर्ट किया मैंने और इंपोर्ट किया अस्सी डॉलर का राइट तो यहाँ पे जो बीस डॉलर फालतू बचा है क्लास हम इसको इन्वेस्ट कर देते हैं या इसका क्लास लोन दे देते हैं और ये जो बीस का बीस होता उसे है उससे बोलते हैं एक्ोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन इस बीस को बोलते हैं एक्ोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन और अगर डेफिशिट में हमारा सौ का एक्सपोर्ट है डेढ़ का इम्पोर्ट है तो हमें ये जो पचास रुपए कम पड़ रहे हैं वो हम लोन ले लेते हैं क्लास इसको भी बोलते हैं

स पे डिपेंड करता है ध्यान रखना ये इंडिपेंडेंट होता है ये होता है डिपेंडेंट इन नेचर तो फाइनली क्लास इसके साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंप्लीट रिविजन हो गया उम्मीद है क्लास हर एक चीज इसके अंदर अच्छे से आपको रिवीजन करा दी आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना लाइक करना कॉमेंट में जरूर मुझे बताना कैसा लगा ये आपको अच्छे से चैप्टर रिविजन हुआ कि नहीं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्लास नए चैप्टर के साथ तो तक टेक बाय बाय गॉड ब्लेस यू